क्या है कलिकाल को सरल बनाने की। देखो इस कलिकाल में किसी अन्य मार्ग से परमात्मा को प्राप्त करना थोड़ा कठिन है या भक्ति करना इस कलिकाल में थोड़ा कठिन है। कैसे कठिन है? हर युग की अपनी अपनी भक्ति होती है, अपनी अपनी साधना की विधि होती है। जैसे सतयुग में ध्यान से भगवान प्राप्त किया जाता था, सतयुग में ध्यान की पद्धति है, आपने सुना होगा कैसे कैसे ध्यान मार्गी हुए हैं तपस्या से, कठिन तपस्या से। द्वापर की अलग विधि है, त्रेता की अलग विधि है। कल इस काल में योग से, पूजा से, पाठ से, दान से, तप से, व्रत से, यज्ञ से, अनुष्ठान से परमात्मा प्राप्त करना यदि चाहोगे, मिल सकता है मुझे कोई, इसमें आपत्ति नहीं, लेकिन थोड़ा कठिन है। गोस्वामी जी जानते थे इस बात को। गोस्वामी जी ने उत्तरकांड के समापन में क्या लिखा? एही कलिकाल साधन दूजा, एही कलिकाल साधन दूजा, जोग जा जप तप व्रत पूजा, जप तप व्रत पूजा, इन छह मार्गों से भगवान को प्राप्त करना बहुत कठिन है। तो लोगों ने गोस्वामी जी से पूछा फिर कलिकाल में भगवान कैसे मिलेगा? तो गोस्वामी जी ने कहा केवल दो काम करो, राम ही सुमीरिए गाइए राम ही, राम ही सुमीरिए सोनिया, राम गुण गावै एहि कलिकाल साधन दूजा, एहि कलिकाल।